हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कम कपड़े में सलवार की कटिंग करना है। तो इसमें हम सलवार की कटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसको हम सबसे पहले खोलेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने फोल्ड किया और यहाँ पे जितनी हमें बेल्ट रखनी है उतना हमें निकाल लेना है। तो हम जो बेल्ट रखेंगे वो हम 7 इंच की बेल्ट रखेंगे। तैयार बेल्ट हमारी 7 इंच की आएगी इस तरह से। और 1.5 इंच जो हम ऊपर फोल्डिंग के लिए लेंगे वो हम लेंगे। ये देखिए, जो हम ऊपर नेफा बनाते हैं उसमें जो फोल्ड करते हैं वो हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। और 0.5 इंच हम लेंगे नीचे जहाँ हम प्लेट्स भरेंगे उसके लिए मार्जिन। तो हमारा ये पूरा 9 इंच हो जाएगा इस तरह से। और इधर भी हम दूसरी तरफ भी 9 इंच फिर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ लगा लिया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। और इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने कट करा है। और जो हमें हमारी बेल्ट चाहिए वो हमारी 22 इंच की चाहिए, यानी कि 22। तो 2 इंच इसमें ये देखिए जो हमारा कम पड़ रहा है। और 1 इंच हम जो मार्जिन के लिए भी लेंगे। तो हम जब इसमें कटिंग करेंगे इसमें जो हमारा कपड़ा बचेगा वो हम यहाँ पे जोड़ के इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए, कर लिया। इसके बाद हम ये हमारा जितना भी कपड़ा है ये देखिए इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। एक बार इसको हमने फोल्ड किया, एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए, ये जो हमारा इधर बंद वाला साइड है यहाँ पे हम मोहरी का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी इधर मोहरी रहेगी। तो मोहरी जो हमें रखनी है वो हमारी 7 इंच की मोहरी हमें रखनी है। ये देखिए, 7 इंच की मोहरी हम रखेंगे। और 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे तो हमारा 8 इंच हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने 8 इंच निशान लगा लिया है। अब इसकी हम लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ से हम 7 इंच बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, क्योंकि 7 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी। और इसके बाद हमें यहाँ से लंबाई लेनी है। तो जो लेंथ हमें रखनी है सलवार की वो हमारी रखनी है 38 इंच की। तो इस तरह से हम 7 इंच बाहर निकाल दिए और यहाँ पे हमें 38 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है। इधर भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे 38 इंच पे। और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए इस तरह से। ये देखिए, अब ये हम इसको इस तरह से इंच टेप को इस तरह से हम रखेंगे यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से इसको हमने रखा है। और इसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और ये जो हमारा हाफ आएगा यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा सेंटर आ रहा है। इसको इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। ये यहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब इस सेंटर पे भी हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसके यहाँ पे हमें बराबर से सीधा कर लेना है। ये जो कान कपड़ा है उसको हटा देना है और बाकी यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें सीधा निशान लगाना है। और इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और इसको पूरा हमें सीधा कर लेना है।
ये देखिए हमने इस तरह से इसमें निशान लगाए। अब इसकी शेप में इसको पूरा कट कर लेना है पहले। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये हमारी जो चारों कलियां हैं इनको हम ले लेंगे। और यहाँ पे हमें जितना आसन रखना है उतना हम लगा लेंगे। तो हमारा आसन 14 इंच का रखना है तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमारा मार्जिन में दब जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 8 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, ये देखिए। और इस कपड़े को हमें काट के हटा देना है। और ये देखिए ये हमारी चार कलियां जो हैं ये हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखिए बराबर से इस तरह से इनको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और ये जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम जो हमारा बेल्ट में कपड़ा कम पड़ रहा था इसको कट करके इसमें हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी बराबर से हो जाएगी। और इसी में से हम निकाल लेंगे, पोछा बनाएंगे, उसके लिए भी हमारा ये कपड़ा निकल आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारे सलवार की कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।